हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी आई थिंक सुबह का 8:30 या 9 बज रहा होगा, 9 तो नहीं बज रहा होगा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ काम, मतलब सुबह उठ के सीधा काम पे लग जाओ। थायराइड वाली दवाई खाई है मैंने, और उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और मेरे को ना थोड़ी ठंड लग रही थी, बिकॉज ना अंदर वाले रूम में फ़ैन चल रहा था, जहाँ पे बच्चा सो रहा है मेरा वहाँ पे। तो अभी मैं बाहर वाले रूम में लगा रही हूँ झाड़ू, उसके बाद मैं गेट खोल के और बाहर लगाऊंगी। और बाहर लगाने के बाद अभी मैं आई हूँ अंदर वाले रूम में, जहाँ बच्चा सो रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, जग गया है आई थिंक। तो मैंने अंदर वाले रूम में झाड़ू लगाया, उसके बाद बेटा उठ गया था मेरा, उठाए नहीं उठाए, तो मैं बस वही देख रही थी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सीधा आके ये वाला नेट खोला है और इसको देखा है कि क्या कर रहा है, उठाए कि नहीं उठाए। यहाँ पे नेट खोलने के बाद मैं इसके साथ थोड़ा सा प्यार व्यार करूँगी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। जैसे ही मैं नेट खोलती हूँ ना, वैसे ही मैं इसके साथ बहुत सारा प्यार करती हूँ पहले, उसके बाद कोई और काम करती हूँ। तो यहाँ पे चल रहा है हमारा प्यार, और मैं उसको उठा रही हूँ पता नहीं क्या, इधर से उधर। तो भाई ये उठ नहीं रहा है शायद। उसको नहला के लेके आई थी, मतलब मैं नहा चुकी थी, सारे काम कर चुकी थी, सब कुछ कर चुकी थी। तो उसके बाद मैं इसको नहला के लेके आई थी, और इसने देख लिया कि हाँ कैमरा लगा हुआ है, फ़ोन लगा हुआ है, इसलिए उसी की तरफ बार बार देख रही थी कि हाँ मम्मा ने वो लगा रखा है वहाँ पे, उसकी नज़रें वहीं थी सीधा। अब मैं कपड़े पहना रही हूँ उसको। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज है धनतेरस, और हैप्पी धनतेरस टू ऑल। और ये है मेरा कन्हैया, येरा बिटू, हाय हाय। येरा मेरा कन्हैया, जो कि तैयार हो चुका है नीचे जाने के लिए, क्योंकि शाम हो गई है, शाम नहीं मतलब 4:30 बज रहे, तो ये नीचे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और मम्मा से कह रहे हैं मम्मा चलो, मम्मा ने भी ये ऊपर वाला टॉप चेंज कर लिया है, बिकॉज़ वो वाला हाफ था, ये ग्रीन वाला जो टॉप है वो हाफ है इस चक्कर में। और ये भी फुल नहीं है, ये भी 3/4 है, 3/4 इसकी मतलब जो स्लीव्स है ना वो 3/4 है। और सुबह से ऐसे ही काम में लगे हुए थे, फिर मेरा मूड नहीं करा कि कुछ और बनाओ, बस वही सब चल रहा है। और कल बनाई थी इडली, जो कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी। क्या होगा, हाँ बेटा चलेंगे अभी, 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स ओनली, ठीक है। तो जब अपने घर में कुछ बन रहा होता है ना, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं यार। आओ बेटा, देखो कैसे घूमी कर रहा है ये लल्ला, देखो। ये कह रहा है मम्मा घूमी चलो नीचे, फिर ये कपड़ी काटे जाके नीचे। तो इडली बनाई, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, 9:30 बज गए थे बनाते उनको बेचारे को। और फिर हम भी खा पी के ना ऐसे सो गए, और कुछ नहीं किया हमने, बस बर्तन और क्लीन किए, किचन क्लीन करी, सब कुछ किया। बट फिर उसके बाद मैं लेट गई, फिर मैंने फ़ोन नहीं उठाया। और सबको दे के भी आई, वैसे मेरा मूड था कि घर पे सब लोग बैठे रहेंगे तो सब लोग खा लेंगे, बट थोड़ा ना लेट हो गए इस चक्कर में, लेट हो गए तो फिर मेरे को देने जाना पड़ा।
क्या कर रहे हो बेटा? ये तैयार खड़ा है नीचे जाने के लिए। मैंने इसको सूटर वगैरह पहना दिया है, ये जो पेंटालून से लेके आए थे वो नई वाली पजामी पहन लिया इसने, और ठंड हो गई अच्छी खासी। ये आ गया मेरा बीता। इसको अब घूमने ही जाना है, बस चल रहे हैं अभी तो हम जाते नीचे, नहीं तो ये हमारी नाक में तक दम कर देगा। चलिए बाद में मिलते हैं फिर। पुष्पा मार रही है डंडा से। अरे लल्ला को मार दी, किसको मार दी? अरे लल्ला को मारी। लल्ला ने कितना पारू किया आज मम्मा को? बहुत सारा किया। बहुत सारा किया था, बिल्कुल किया था। और नानी की ड्रेस कहाँ गई लल्ला? नानी की ड्रेस कहाँ गई? नानी की ड्रेस तो ये मेरा कन्हैया, ये मेरा कन्हैया। ये हवा ले रहा, सूटर उतार दिया इसने। तो ये है दिवाली वाली थोड़ी थोड़ी रौनक, और हम लोग जो मार्केट में नहीं आए, मतलब अभी हीनू पर ही आए, मेन रोड की तरफ नहीं आए। आज लेट हो गया था यार बहुत, कहीं गाड़ी करने की जगह नहीं है। ये है मेरा कन्हैया, कितने बच्चे हैं तो मानता क्यों नहीं है? इसने मम्मा को इतना पारू किया है। अभी मम्मा शॉपिंग कर रही थी वहां पे, दिवाली वाली दिए विए और सब ले रहे थे ना, इसने इतना मस्का रहा है ये लड़का, इसने इतना इतना पारू किया मम्मा को। और मैंने ना शॉपिंग थोड़ी बहुत की है, मतलब जो दिए होते हैं और गणेश लक्ष्मी ये सब लेकर आई हूँ मैं अभी। इसकी दवाई लेने आए थे थोड़ा सा, इसलिए हमको यहाँ पे आना पड़ा। तो मानते क्यों नहीं है बेटा? और हम लोग ना लेट हो गए थे, तो आज धनतेरस है, इस चक्कर में हम लोग को सोचा था गणेश लक्ष्मी लेने के लिए, बट हम लेट हो गए यार। और वहाँ पे जाते बहुत सारा लेट हो जाते हैं। यही लाया हूँ बस के। हाँ बस यही चाहिए। लल्ला देखो 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 देखो, लल्ला लल्ला हाय हाय तो बाय। तो हम लोग गोलगप्पा खाने के लिए आए, हमको भूख लग गई बहुत तेज, हम लोग गोलगप्पा खा रहे हैं। गोलगप्पा पानी वाला खा के आए अभी, और अब वो वाला खा रहे दही वाला खा रहे हैं। तो दही वाला ना इस पे ही मिलता है, जिस पे बड़ा पाव मिलता है। देखिए दिखाते हैं इस पे ही बड़ा पाव मिलता है, उस पे दही वाला खाते हैं। अभी दही वाला लेने गए, और ये भी खा के आया गोलगप्पा। गोलगप्पा तुमने खाया? इधर देखो इधर देखो इधर इधर देखो इधर देखो, कैसा था गोलगप्पा बेटो? अच्छा था। मजा आया बहुत मजा आया, इतना मजा आया मेरे बच्चे को। वो और आ गया गोलगप्पा, और खाओ। अरे वाह, अरे वाह, मजा आ गया भैया को, तो मजा आ गया इसको। लल्ला को तंदुबल 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 मम्मा, ये वाला खाएगी, ये वाला खा लो ना। नहीं
ये देखो मेरा लल्ला क्या लेके आया है, इसको ये दिखा, ये इसको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर डॉक्टर देखे, पहले इसको खिला। तो अभी हम लोग आए घर पे और अभी बज गया 9:15, 9:15 बज गया। बताइए कब के गए हुए हम लोग, 6:30 बजे के समथिंग, और 9:15 बजने जा रहा है। जबकि मैं इधर मेन रोड नहीं गई हूँ, ऐसी बस लौट आई हूँ। एक सेकेंड, तो जो हमको लेना था वो हम नहीं ले पाए बिकॉज बहुत लेट हो गए थे, और मेन रोड जाने का मतलब है 10-11 बज रहा, मेन रोड जाने का मतलब ये है। तो मैंने यही से ना भगोना ले लिया है, ये हमारी हो गई धनतेरस, ये वाला साइज लिया है मैंने भगोने वाला, ये वाला साइज। समझ में नहीं आ रहा था यार क्या लें क्या लें, तो पहनो ना आप ही मम्मा क्या करे इसमें, पहनो आप ही इनको, डॉक्टर बनना है देखो। चम्मच लगा है। हाँ चम्मच लगा है तो क्या हुआ बेटा, चम्मच लगा है तो क्या हो गया, इधर पकड़ो ऐसे, यस ये बन गया डॉक्टर। इसको ना पूरी दुकान पे बस यही दिखाई दिया कि ये डॉक्टर वाला सेट टंगा हुआ है, बस वही लेंगे डॉक्टर वाला, वही लेंगे डॉक्टर वाला, वही लेके आ गया। और कुछ नहीं, छोटी मोटी शॉपिंग करके लाए, वही दिवाली वाली जो होती है, दीपक और गणेश लक्ष्मी यही सब। मैं वैसे मेरा मूड था कि मैं चांदी वाले लेने जाऊँ, बट चांदी वाला लेने के लिए ना मेरे को वहाँ मेन रोड जाना पड़ता और उसके लिए 11 बज जाते, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम और हम नहीं गए। उसका मतलब ये था कि हम 5 बजे निकलते तब हम वहाँ पे जाके शॉपिंग करते, क्योंकि आज वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ होएगी सोनार वनार की दुकान पे, इस चक्कर में नहीं गए। और मैंने वहाँ पे ना रंगोली टाइप लगा दी है वहाँ पे मंदिर के पास, वो मैं अभी लेके आई थी, वो मैंने लगा दी उसको वहाँ पे। और गेट पे ना छोटी पड़ रही थी, ये वाली छोटी है, और गेट पे पहले जो लगाई थी ना वो थोड़ी सी बड़ी थी, वो वाली ना थोड़ी सी बड़ी थी तो वो साइज़ थोड़ा छोटा था, तो मैंने वहाँ पे लगा दी सर। और मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कल मिलूँगी दूसरे वाले ब्लॉग के साथ, दिवाली दिवाली वाले ब्लॉग के साथ। ठीक है आते बेटा।